गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो बात हॉबी की। ये लेसन आपने पढ़ा क्या? मम्मी को पढ़कर दिखाया है ना? देखो, और मैंने आपको होमवर्क दिया था है ना, कि मम्मी की हॉबी, पापा की हॉबी है ना, दादा दादी की हॉबी है ना, भाई बहन की हॉबी है ना, एक पेज पर लिखना है आपको। आपने लिखा क्या वो? और ये शब्दार्थ और कठिन शब्द आपने लिखा होगा है ना, और नहीं लिखा है उनको कंप्लीट करना है। हाँ, अभी उसके आगे देखो, पेज नंबर 19 ओपन करो है ना। आधा लेसन हमने सीखा, उसके आगे जब डाक विभाग कोई नया टिकट निकालता है तो संग्रह करने वाले लोग उसे टिकट को खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं है ना। उनको लगता है ना, मैं जब नया डाक टिकट आता है तो वो लेने के लिए वो क्या करते हैं? उतावले हो जाते हैं। डाक विभाग नए टिकट को लिफाफे पर चिपका कर उस पर डाकघर का मुहर लगाकर बेचता है। ये टिकटें केवल बड़े डाकघरों में ही मिलते हैं। डाक विभाग द्वारा विशेष अवसरों पर जारी किए गए डाक टिकटों के लिए विशेष लिफाफे भी छापे और बेचे जाते हैं। इन पर डाक टिकट के बारे में कुछ जानकारी भी छपी होती है। डाक टिकटों का संग्रह एल्बम में किया जाता है ना। जो संग्रह करते हैं डाक टिकटों का, वो जैसे हम फोटो लगाते हैं है ना, एल्बम बनाते हैं, वैसे वो संग्रह करने वाले क्या करते हैं? डाक टिकटों का एल्बम बनाते हैं। एल्बम में टिकट गोंद से नहीं चिपकाए जाते, इसके लिए विशेष कोने होते हैं जिनमें टिकट फंसा देता है और फिर कोनों को एल्बम में चिपका देते हैं। आजकल पारदर्शी कागज़ के लिफाफों में टिकट रख कर उन्हें एल्बम में रखा जाने लगा है। पारदर्शी, जो आर पार दिखाई दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। ऐसे पेपर पर वो क्या करते हैं? डाक टिकट लगाते हैं। तितलियों का संग्रह करने की हॉबी तो पूरे संसार में पाई जाती है ना। हमने देखा है ना, हम जब देखो बारिश आती है ना, तो देखो सभी जगह हरियाली छा जाती है, तो कितने रंग बिरंगी तितलियाँ हम भी देखते हैं। तो कोई किसी किसी को क्या होता है, तो वो तितलियों का भी संग्रह करते हैं है ना। वैसे ही देखो यहाँ दिखाई दिया है ना, तितलियों का संग्रह करने की हॉबी तो पूरे संसार में पाई जाती है। लोग रंग बिरंगी तितलियों का एल्बम में चिपका कर रखते हैं। तितलियों वाले एल्बम को कपड़ा बनाने वाली मिलें खरीद लेती है। जो तितलियों वाले एल्बम जो होता है उसको कौन खरीद लेता है? जो कपड़े बनाते हैं है ना, वो क्या करते हैं? वो मिले का मतलब क्या है? कारखाना है ना, वो क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। तितलियों के पंखों के डिज़ाइन को देखकर है ना, देखो तितलियों के जो पंख होते हैं उनकी डिज़ाइन को देखकर कपड़ों के नए नए डिज़ाइन बनाए जाते हैं। क्या करते हैं? जो तितलियों के पंखों के ऊपर जो डिज़ाइन हुआ होता है उसको देखकर क्या करते हैं? कपड़ों की डिज़ाइन बनाई जाती है ना। बहुत से लोगों को सिक्कों का संग्रह करने का शौक होता है। किसी किसी को क्या होता है? सिक्कों का संग्रह करने का। देखो हमारे दादा दादी जी है ना, तो उनके पास भी देखो है ना, पुराने सिक्के हैं किसी किसी के पास, जिनको शौक है उन्होंने संग्रह करके ले रखा है ना। पहले 5 पैसे 10 पैसे ऐसे होते थे ना, तो उनके पास देखो उसका संग्रह है ना। देखो 25 पैसे 50 पैसे है ना, पहले होते थे, तो उनका संग्रह उनके पास है। तो किसी किसी को है ना सिक्कों का संग्रह करने का शौक होता है। सिक्कों का संग्रह करने वाले लोग पुराने सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं, और जब भी उन्हें कोई पुराना सिक्का किसी के पास मिलता है तो उसे खुशी खुशी ऊंची कीमत पर खरीद लेते हैं। उनको किसी के पास पुराना सिक्का मिलता है तो उनके पास से वो खरीद लेते हैं। हम अपने घरों में भी देखते हैं कि किसी को खाना बनाने का शौक होता है। देखो हम नई नई रेसिपी सीखते हैं अपनी किसी हमारे घर में देखते, दीदी है, नानी है, हमारी मम्मी है, चाची जी है ना, तो उनको भी क्या होता है ना, नए नए रेसिपी वो सीखती है और खाना बनाती है, नए नए पदार्थ बनाती है, उनको उसका भी क्या होता है? शौक होता है। तो किसी को बागवानी का, तो किसी को पेड़ लगाने का है ना, देखो ये भी किसी को बागवानी करने का भी क्या होता है? शौक होता है। किसी को
रंगोली बनाने का भी शौक होता है ना। किसी को क्या होता है रंगोली, हम हमारे देखो हमारे घर में भी देखते हैं ना, है ना, जिसको शौक होता है वो रंगोली कितना अच्छा बनाता है। तो किसी को रंगोली बनाने का, तो किसी को चित्रकारी करने का, बैठे बैठे ही चित्र निकाल देते हैं, है ना। हमें भी लगता है अरे इतना अच्छा चित्र कैसे, क्योंकि उसको शौक है इसलिए उसने अच्छा चित्र निकाला, है ना। तो किसी को चित्रकारी करने का शौक होता है, कोई शतरंज खेलने का शौक रखता है, तो किसी को साइकिल दौड़ाने में भी आनंद होता है। बहुत से लोगों को पर्यटन का शौक होता है। देखो चित्र दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में, पर्यटन का अर्थ क्या है, है ना। देखो यहाँ भी दिया है पर्यटन का अर्थ सैर करना, है ना, जो देखो चित्र में भी दिखाया है। बहुत से लोगों को पर्यटन का शौक होता है, तो बहुत से लोगों को पहाड़ों पर चढ़ाई करने को में आनंद अनुभव करते हैं। कोई कोई लोग क्या है पड़ा पहाड़ी पर चढ़ाई करने को भी क्या करते हैं, उनको आनंद मिलता है ना। पहाड़ी पर चढ़ाई करना, है ना, उसका अर्थ क्या है, शौक के कारण ही बहुत से लोग प्रत्येक वर्ष पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। देखो पहाड़ पर चढ़ाई करना उसका अर्थ क्या है, ट्रैकिंग करना, क्या है, ट्रैकिंग करना, पर्वतीय स्थानों का रोमांचकारी भ्रमण, उस पर घूमना, उस पर चढ़ाई करना, है ना। उन्हें पहाड़ी खतरों से भी डर नहीं लगता, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको डर नहीं लगता, है ना, क्योंकि उनको शौक है, पहाड़ी पर चढ़ना उनका शौक है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी अवश्य ही होनी चाहिए। हॉबी के कारण खाली समय का पता ही नहीं चलता और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। अपनी हॉबी को अवश्य पूरा करना चाहिए, हमारी हॉबी को क्या करना है, अवश्य पूरा करना चाहिए। देखो अभी इसमें जो अभी आधा पार्ट अभी हम आज पढ़े, उसमें से जो कठिन शब्द आपको लग रहे हैं तो आप अपने नोटबुक में लिख लो, हाँ। ये लेसन मम्मी को पढ़कर दिखाना है, अगली बार हम नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर और स्वाध्याय हम लेंगे। बाय स्टूडेंट्स।